अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द कुकिंग अब्रॉड। आज हम बना रहे हैं चिकन फ्राइड राइस, जिसके लिए मैंने यहाँ एक पैन लिया है। इसमें ऐड करेंगे हम 2 टेबलस्पून ऑयल। इसमें डालेंगे चिकन बोनलेस, इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। हमें इसका कलर चेंज होने तक अच्छे से पकाना है। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट। हाफ टी स्पून रेड चिल्ली पाउडर, इसे मिक्स कर लेंगे। हमें चिकन को जब तक पकाना है जब तक कि उसका पानी सूख ना जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 पिंच रेड फूड कलर। हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है। अब हम देखेंगे हमारा चिकन अच्छा पक चुका है और हमारे चिकन में का जो पानी था वो भी सूख गया। अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। इसे साइड में रखेंगे। यहाँ मैंने लिया है पैन, जिसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। इसमें डालेंगे चॉप स्प्रिंग अनियंस, कैरेट, बीन्स, पीस बटाने। इसे हम अच्छे से सॉटे करेंगे। हमें वेजिटेबल्स को ओवर कुक नहीं करना है। अगर हम ओवर कुक करेंगे तो विटामिन्स कम हो जाएंगे और इसका जो कलर है वो भी नहीं रहेगा। इसमें हम ऐड करेंगे चॉप शिमला मिर्ची, यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर। फिर हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे वेजिटेबल्स का कलर बरकरार है। अब हम ये वेजिटेबल्स को साइड में रखेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक अंडा, जिसको थोड़ी देर हम पकाएंगे। अब हम अंडे को मिक्स करेंगे। यहाँ हमारा अंडा पक चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई किया हुआ चिकन जो हमने पहले फ्राई किया था। इन सारे चीज़ों को हम एक साथ मिक्स कर लेंगे ताकि नमक मिर्ची सब एक साथ मिल जाए। यहाँ मैंने पैन बदला है। इसमें हम ऐड करेंगे चावल, जो कि 2 कप है। मैंने ऑलरेडी पहले से चावल को पका लिया था। जैसे हम नॉर्मल चावल पकाते हैं बस उसी तरह हमें पकाना है। इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून रेड चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1/2 टेबलस्पून। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। वेजिटेबल्स, चिकन और हमारा अंडा जो है वो अच्छे से सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएं।
हमें हल्के हाथों से मिक्स करना है ताकि चावल हमारे टूटे ना। आप देख सकते हैं हमारे चावल एकदम खिले खिले बने हैं। हमारा यहाँ चिकन फ्राइड राइस रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द कुकिंग अब्रॉड। अल्लाह हाफिज़।